जाकर के हीरो नहीं बन सकते, तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे, इसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे, क्या गारंटी? कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आप क्या करोगे? छोड़ करके हवाई बड़े बड़े प्लान आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो, लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना, अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते, तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे, उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे, क्या गारंटी? ये है सही ट्रैक। सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है। अब ये चीज कैसे होगी? दो सॉल्यूशंस हैं, एक है सुपरफिशियल लेवल, सरफेस लेवल, मतलब कि ऊपर ऊपर की बात है। मैं आपको बता दूं यहां पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाए, बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके हैं। ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे आप म्यूजिक ऑन कर लो, म्यूजिक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो, आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको ऐसे 1000 नुस्खे मिल जाएंगे, 1000 ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे यहां पर आकर के बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो 1000 रास्ते हैं, गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी, उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ है, जड़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, ये जड़ है प्रॉब्लम की। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो, आप कहो नहीं मैं तो पढ़ूंगा, आने तो मेरे सामने कौन आ रहा है उसको देख लूंगा, देखता हूं मेरे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था आप पढ़ लिए, उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया, बिजनेस करना है बिजनेस में 100% डाल दिया, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। अब कैसे करना है? अब क्या है इसका सलूशन? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने की। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या है? ना पढ़ने की, एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस है, असली कहानी कुछ और है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो, करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, दोबारा बोलूंगा कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। आप बदल गए अंदर से, पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपने।